जी, कैसे हैं सब दोस्त? अच्छा, वेल, पहले पार्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था आप लोगों ने उसमें, लेकिन मैंने डिटेल्स नहीं दी थी, सिर्फ एक आइडिया दिया था कि ये जो सीरीज़ है इसमें किस तरह से कवर करूँगा मैं इन चीज़ों को, कि जो लोग पाकिस्तान या एशियन साइड से, एशियन कंट्री से आना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो तुर्की से सेटलमेंट चाह रहे हैं किसी और कंट्री की, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू सेटल हेयर नाउ। जो लोग सेटल्ड थे उनके पाँव उखड़ गए हैं, तो जो नए आएंगे वो क्या करेंगे? तुर्की में रहते हुए अभी आपको डॉलर या यूरोज में लाइफ गुजारनी पड़ती है, टर्किश लिरा में नहीं। तो बहुत सारे दोस्त टर्किश लिरा को कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तानी या इंडियन करेंसी के साथ, तो उनके लिए इतला है, उनके लिए अर्ज है, रिक्वेस्ट है, दोनों कानों में से उंगलियां निकाल के सुने वो लोग, कि बेशक लिरा पाकिस्तानी करेंसी में बहुत नीचे आ गया है, लेकिन यहाँ पर महंगाई उसी लेवल पे ऊपर भी चली गई है। सो वो लाइफ जो हम 3 साल या 2 साल पहले रफली पाकिस्तानी पैसों में बात करूं, किराए के घर में रहते हुए 50 से 70 हज़ार रुपये में गुजारते थे, आज के दिन में आपको तुर्की में आके उसके लिए कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपया पाकिस्तानी चाहिए मंथली एक फैमिली के लिए। बहुत बिलो द बेल्ट जाके आप रहेंगे तो आप कुछ 5-6 हज़ार का घर ढूंढ लेंगे, और 10 हज़ार आपको ऊपर लगाना पड़ेगा, 15 अगेन 1.5 से 2.75 लाख रुपया आपकी रूटीन लाइफ चली जाएगी। ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी होगी, खाना पीना बहुत महंगा हो गया, होटलिंग ना होने के बराबर है। हम लोग लाइक मोस्टली या तो अरब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या अफगान रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, टर्किश रेस्टोरेंट्स पे बहुत कम विजिट करते हैं हम लोग, बिकॉज वहाँ नाप तोल के 50 ग्राम चावल, 70 ग्राम चिकन जो है वो 200 लिरा, यानी पाकिस्तानी 2025 रुपये में मिलता है एक टाइम पे एक बंदे के लिए। सो थिंग्स आर एंटायरली चेंज, वर्क परमिट बंद है। अभी भी बहुत सारे फुद्दू जो हमारे पाकिस्तानी एजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एग्जीबिशन लगाई हुई हैं, फेसबुक पे भरा हुआ है कि जी तुर्की में वर्क परमिट, सब फेक है, सब फेक है। लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम इस चीज़ में जिसको डिस्कस करेंगे, जो सबसे आसान हदफ होगा एशियंस के लिए भी और जो तुर्की में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी, साउथ ईस्टर्न यूरोप, बालकान, दी बालकान्स। ये जो वर्ड बालकान है बेसिकली टर्किश लफ्ज़ है, चूंकि तुर्कियों का होल्ड रहा इस पूरे रीजन पे, हंगरी तक इवन यूरोप के मेन कंट्रीज में से जो आता है। सो बालकान टर्किश वर्ड है, और माउंटेन्स को, पहाड़ों को कहते हैं, और ये बड़ी ही खूबसूरत एक रेंज है बालकान की, जिसमें तकरीबन 13 कंट्रीज थी, एक लंबी लिस्ट थी, सर्बिया, हंगरी, कोसोवो, क्रोएशिया, नॉर्थ मैकडोनिया, मॉन्टीनेग्रो, मतलब ये एक 13 मुल्कों का एक वो था सिलसिला। तुर्की को भी बालकान में कंसिडर किया जाता था, अभी चूंकि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आ गई है और ये इनका वहाँ पे होल्ड भी अच्छा है। सो उन 13 में से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो पहले ईयू में गई, फिर ईयू में से बहुत सारी जो है शेंजन जोन में आ गई, लाइक हंगरी, क्रोएशिया, ये दोनों शेंजन जोन का हिस्सा है, और जो इसमें यूरोपीय यूनियन में आते हैं, जो यूरोपीय यूनियन में आते हैं कंट्रीज अभी से ही, जो शेंजन में जाने वाले हैं कमिंग, उसके अंदर रोमानिया और बुल्गारिया और मे बी मोंटीनेग्रो आने वाले दिनों में इसको ज्वाइन कर ले, बोस्निया की एक लिस्ट उसमें आ गया हुआ है, तुर्की के बड़े चांसेस रोशन हो गए हुए। तो बालकान के जो रिमेनिंग 7 कंट्रीज हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, टॉप ऑफ द लिस्ट है मोंटीनेग्रो, सर्बिया, अल्बानिया, नॉर्थ मैकडोनिया, कोसोवो, मतलब ये बोस्निया हर्जेगोविनिया। अच्छा, अब इनमें मॉल तो वो भी काफ़ी हद तक आप कंसिडर कर सकते हैं साउथ ईस्टर्न में, लेकिन वो बालकान में नहीं आता है, चूंकि थोड़ा हटके आ जाता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। अब इन सब कंट्रीज़ में आप सेटल हो सकते हैं, तरीकाकार क्या होगा, किस तरह से आप यहाँ से तुर्की से निकलेंगे, आप वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर सेटलमेंट कैसी होंगी, और ये जितने भी बालकान हैं या साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं ये यूरोप नहीं है, मतलब लोगों को 5-7 नाम याद है यूरोप के, वो उन्हीं को यूरोप समझते हैं। सो ये जो साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, छोटे मुल्क हैं, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, मेहनत करेंगे, पैसे लगाएंगे तो अच्छा अपने लिए जगह बना सकते हैं। आपकी एक सॉलिड कंपनी होनी चाहिए जिसमें आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ हो, फेक कंपनीज बना के आप वहाँ नहीं जा सकेंगे, बहुत ज़्यादा सख्ती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और तुर्की से जाने वाले माइग्रेंट जो हैं इनके लिए। सो बहुत कोई सॉलिड केस होगा तो आगे जा सकेगा। तो मैं इसमें जो सबसे पहले मतलब इनको मैं कैटेगराइज करूंगा और मैं कोशिश करूंगा वन बाय वन इन कंट्रीज़ को जो है हम देखते जाएं। वैसे तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था पिछले दिनों, मैं वीडियो बनाने में लगा था, एक बड़ा बारिश आदमी है, इतनी दाढ़ी है उस बंदे के मुंह पे, तो वो मेरा वीर लगा हुआ जी चलो चलो सीरीज़ बनाने, सुबह उठे गूगल से चीज़ें उठाई, नेट पर डाल दी और अपने व्यूज़ लेके अपना 2-4 हज़ार डॉलर उस वीडियो से कमा के इन सब लोगों को छोड़ दिया, उसने एजेंटों के हवाले कर दिया फेक गूगल की इंफॉर्मेशन के ऊपर।
कि वहां इतने मुसलमान हैं, इतनी मस्जिदें हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, ये वो है। यार ये सब चीजें सिर्फ आपके व्यूज तो आ गए, आपने तो $4 कमा लिए, लेकिन जो लोग आपकी वीडियोस देख के वहां जाएंगे, ख्वार होंगे, पैसा खर्चेंगे, उनकी जिम्मेदारी भी आपके सर पे होगी बरोज़े क़यामत इंशाल्लाह। एनीवे हाँ जी, मौलवी नहीं बनना, मेरा मकसद है आप लोगों को एजुकेट करना कि आप अपना जब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाए तो आप पैसा वेस्ट नहीं करें। इनमें जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं जिनमें जाके आप सेटल कर सकते हैं, चाहे आप एशिया से आ रहे हैं, चाहे आप गल्फ कंट्री से आ रहे हैं, चाहे आप तुर्की से उठ के अब आगे देखने लगे हैं, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, प्ले वेरी स्मार्ट, अपने पैसों को अपना समझ के यूज करना है आपने, एजेंटों को नहीं भरना। मॉन्टेनेग्रो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है इसमें, नॉर्थ मैकडोनिया बहुत बेहतरीन है। थर्ड नंबर पे आप बोस्निया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। बोस्निया हर्जेगोविनिया बहुत शानदार है इस सेंस में कि तीनों तरफ शेंजन जोन आ गया उसके। डिपेंड ये करता है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ वहां जा रहे हैं। आपने पैदल वॉक करके शेंजन जोन में जाके असाइलम लेना है, या आपने कोई कारोबार करना है, कोई जॉब अच्छी क्रिएट करनी है अपने लिए, कोई छोटा बिजनेस सेटअप करना है वहां पे, ये चीज आपके पहले दिन को डिस्क्राइब करेगी कि वहां पे आप क्या कर सकते हो। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं दो से तीन छोटी छोटी वीडियोज के ऊपर। नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा कि इनमें से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज कौन सी हैं जिनमें इंग्लिश चलती है मोस्टली। मैं तो इन इन बालकन कंट्रीज में, मोस्टली कंट्रीज में अभी भी क्रोएशियन लैंग्वेज यूज हो रही है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मैं फरवरी में इसी साल फेब में जब मैं होके आया हूँ वहाँ पे, तो इन 7-8 कंट्रीज में मोस्टली क्रोएशियन बोली जा रही है, स्पेनिश बोली जा रही है, या किसी हद तक इंग्लिश टूरिस्ट एरियाज में जैसा हर कंट्री में होता है बोलते हैं लोग। लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, और जो सबसे प्लस पॉइंट है, इफ़ यू गॉट रेजिडेंसी एनी ऑफ दिस कंट्रीज, तो 3 साल में आपको PR मिलती है, 5वें साल में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। क्विक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जाते ही प्रॉपर्टी बाय करें, छोटा मोटा कारोबार या जॉब अपने लिए क्रिएट करें, और फौरी आप PR में चले जाते हैं, तो 3रे साल में आप सिटीजनशिप अप्लाई करने की कंडीशन में आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है, वो डिफरेंट कंडीशन है, ये एजेंटों की सोच से बहुत आगे की चीज़ें चली जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं, सुबह उठ के गूगल खोलिया, देखिया 5-7 चीज़ें चुकी हैं, एक वीडियो बना के झंडा डाला और डाल दी कि जी आओ आओ चलो चलो, वही जो मैं अभी बता रहा हूँ, चलो चलो भाई चलो चलो चले गए, उनका बड़ा खर्क हो रहा होगा वहाँ पे। अब आपने उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाया है, वहाँ पे क्या करना है ये नहीं पता। एनीवे आपको इन कंट्री में जाके कोशिश करें कि फैमिलीज के साथ ना जाएं, शुरू में 3 से 6 माह खुद गुजारें, प्रॉपर्टीज बाय कर लें, बिकॉज खास तौर पर मॉन्टीनेग्रो का मैं बार बार कहूँगा, मॉन्टीनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविनिया, नॉर्थ मैकडोनिया, सर्बिया, ये 2-3, सर्बिया खैर इस लिस्ट में मैं नहीं रखता हूँ बिकॉज वो बहुत मुश्किल है, वहाँ चाइनीज का होल्ड है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो भी, आप बहुत अच्छा कारोबार सेट कर सकते हैं बिकॉज वो बिजनेस फ्रेंडली है। मॉन्टीनेग्रो, नॉर्थ मैकडोनिया और बोस्निया हर्जेगोविनिया, ये ऐसी डेस्टिनेशन हैं, इनमें अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं तो ये आने वाले किसी भी टाइम में दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ शेंजन। कहने को ये 10 साल, 5 साल, 7 साल का कह देते हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं बड़ी स्पीड में, शेंजन जोन अपने आप को बड़ी स्पीड में मजबूत कर रहा है बेसिकली अगेंस्ट वायदा लुजैन जो ख़त्म हो रहा है तुर्की में, उसके हिसाब से अपने आप को कवर करते हुए जा रहे हैं, ताकि एक तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स को ब्लॉक कर सकें, तुर्की से होती हुई रेजिस्टेंस को ब्लॉक कर सकें, यूरोप से आते हुए प्रेशर को कि हम आपको अपने साथ तब मिलाएंगे कि ये करें, उसको सस्टेन करने के लिए। ये बहुत सारे मेन अच्छे स्टेप्स कर चुके हैं, ह्यूमन राइट्स बहुत बेहतरीन है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, और मकसद से मसला सिर्फ एक ही होगा वहाँ जाके भी, लैंग्वेज। इन बालकान कंट्रीज़ को आप लोग सजेशन दे दें अपनी कि मैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप जो है करूं, या एक ही वीडियो में कवर कर दूं कैंडिडेट की वीडियो में, और बेस्ट ये रहेगा कि एक एक कंट्री करके हम इन्हें ले लें, बिकॉज सारों को तो करना नहीं है आपने, इन्हीं 2-3 कंट्रीज को टारगेट करें, बिकॉज खर्चा सेम होगा, पैसे सेम है, अपॉर्चुनिटीज सेम है, तो वाई डोंट वी गो फॉर द इंग्लिश स्पोकन, जहां पर एटलीस्ट 10-15-20% इंग्लिश बोली जा रही है। क्रोएशियन लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यूरोपियन कोई भी कंट्री है उनकी लैंग्वेज को लिखना समझना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टर्किश की तरह बहुत आसान नहीं है, टर्किश लैंग्वेज बहुत आसान है इनकी निस्बत। एनी वे इन चीज़ों को जब तक आप अपने जहन में नहीं उतार लेंगे कि है क्या, थोड़ा खुद भी वर्कआउट करें। अब जो मेरा तरीकाकार क्या होगा, मैं बालकान कंट्रीज में, स्क्रेबियन कंट्रीज में, या यूरोपियन कंट्रीज में, इवन इंग्लिश कंट्रीज में भी इंशाल्लाह ताला, जहां पे प्रॉपर्टी बाय करके कोई रेजिडेंसी करना चाह रहा होगा, ये वीजा वीजा वाली गेम नहीं है खाली, मैं वो वीजा एजेंट नहीं हूँ, सुबह गया और शाम में कहता आ जाओ जी आ जाओ, बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं, वहां पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वीजा, ये जो ट्रैवल एजेंट्स है ना, जितने भी वीजा एजेंट जितने भी हैं, इनका मकसद सिर्फ एक है कि आप वीजा अप्लाई करवाएं, इनका वही $200, $250, $300 या यूरो की गेम है। आप गए बाढ़ में,
आपने अपने शूज में रहते हुए फैसला करना है कि आप कैसे सेटल करेंगे। आया ये 200-300 यूरो या 200-300 डॉलर कोई चीज़ नहीं है। अभी हमारा एक दोस्त यूके पहुंचा हुआ था और वो अभी मुझे यकीन आने वाले 2-4 दिनों में ड्रामे शुरू हो जाएंगे। यूके में सिर्फ एक कैटेगरी है, सिर्फ एक, टूरिस्ट। उन्होंने स्टूडेंट वाला भी खत्म कर दिया। आप जाएंगे विजिट पे वापस आ जाएंगे, इलीगल हो गए तो वो उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं। वो भी स्टोरी नहीं है कि आप असाइलम अप्लाई कर लेंगे। सो यूके में या तो आप वर्क परमिट बाई करके जाएंगे जेन्यन, और ये जहन में रखें कि हेल्थ वाला जॉब आप नहीं कर सकते हैं। मतलब वो एक और एक्सट्रीम लेवल की गंदगी है जो आपको साफ करना पड़ती है, जहाँ पे ओल्ड एज होम्स में आपकी ड्यूटियाँ लगती हैं। तो ये यहाँ बैठ के ये कह देना बड़ा आसान है जी 85,000 डॉलर पाउंड या 1,00,000 पाउंड उसी साल तक कमाओगे, लेकिन वहाँ पर आपको जो करना पड़ेगा वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा वर्स्ट है। बड़े लॉलीपॉप आए हैं दाएं बाएं से आप लोगों को, बजाय कि हम लोग दुआ करें हमारा मुल्क स्टेबल हो, हम लगे हुए हैं कि बस की करना है। अब चूंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं करते हैं, तो ये वीडियोस मदद की नीयत से है, अर्जेंटली ना स्टार्ट करना है। तो एक एक करके हम इसको क्लेबरेट कर इसको जो है मैं एलेबरेट करता जाऊंगा, क्लियर करता जाऊंगा बड़ा डिटेल इंशाल्लाह ताला। और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे हम एक ग्रुप बना लिया करेंगे, जैसे अभी मैं 2 हफ्ते बाद जा रहा हूँ तो 7-8 लोग हैं, 4 तो हम बाई रोड जा रहे हैं, 3 लोग वहाँ हमें ज्वाइन करेंगे जिन्होंने प्रॉपर्टीज बाई करनी है। प्रॉपर्टीज बाई करेंगे, इनकी कंपनीज बनाएंगे, इनकी हम प्रॉपर साथ ही रेजिडेंसी अप्लाई कर देंगे, और जैसे भी इनके कार्ड आएंगे तो इनकी फैमिली की रेजिडेंसी अप्लाई करेंगे विद इन 40 डेज, और इनकी फैमिलीज उस रेजिडेंट कार्ड के ऊपर वीजा लेके यहाँ पर पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। सो ये सारी कंट्रीज के लिए यही एक प्रोसेस होगा। कैरेबियन में जिन्होंने प्रॉपर्टी बाय करना होगी सिटीजनशिप के लिए, या वैसे ही पासपोर्ट बाय करना होगा, तो ये नहीं होगा मैं यहीं से बैठे हुए आपके वो अप्लाई कर दूंगा। मैं 2 से 3 केस इकट्ठे किया करूंगा, मैं वहां पहुंचूंगा आपको लाइव दिखाऊंगा, प्रॉपर्टी आपको समझ आएगी, पासपोर्ट अगर आपने खरीदना है वेल एंड गुड, अपनी हम एक नॉर्मल सी फीस साथ ऐड कर देंगे, वो आप हमें सिर्फ फीस से गर्ज होगी, बाकी पेमेंट सारी आप गवर्नमेंट को या उस डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट को पे करेंगे जो पासपोर्ट होल्डर जो पासपोर्ट प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर जिनको कंट्रोल या अथॉरिटी दे रखी है। किसी किस्म का कोई फ्रॉड हैंकी बैंकी या किसी के साथ खेलने की जरूरत ही नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो पहली कंट्री मॉन्टीनेग्रो, उसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला। दूसरा कंट्री होगा नॉर्थ मैकडोनिया, तीसरा कंट्री होगा सर्बिया, चौथा होगा बोस्निया हर्जेगोविनिया। सर्बिया में इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि वहाँ पर जॉब्स और जो है ना छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप हॉटल बना के एयरबीएनबी कर सकते हैं, आप वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इन कर सकते हैं, आप वहाँ पे इंग्लिश स्पोकन के तौर पर अच्छी जॉब देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर। और जब आप वहाँ जाते हैं तो पता चलता है, ये गूगल पे देख के 10-15 चीज़ें कर देना ये और स्टोरी है, फिजिकली वहाँ पे जाके देख के लोगों को मिल के ऑफिशियल ऑफिसर्स को मिल के जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिल सकेंगी, वो इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे मिलेंगी आपको। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैंने ये कभी नहीं बोला लेकिन अब कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, धोखा हो रहा है, तो कोशिश ये है कि मैक्सिमम लोगों की मदद हो सके। मेरे पास नहीं भी आएंगे तो एटलीस्ट आप काउंटर कर सकेंगे किसी बंदे की टेबल पर बैठ के कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होगा, सो दैट यू कैन सेव योर मनी। और होपफुली नेक्स्ट मंथ से अगली कंट्रीज वन बाय वन जो है उनमें आपसे मुलाकात हुआ करें, वहाँ बैठ के वीडियोज हुआ करेंगी, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ जो जो चीज़ें आपके क्वेश्चन होंगे उनसे पूछ के आपको बताई जाएँ, बजाय कि गूगल से उठा के 2020-21-19 का डाटा दिया जाए। दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इन वीडियोज़ को वो लोग जो बालकान गल्फ या इंग्लिश कंट्रीज यूरोप में शिफ्ट होना चाह रहे हैं ये डिटेल्स उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी, आपके लिए तो होंगी ही इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।